नमस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम विज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एंटी कैंसर ड्रग तत्व के क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी की, बताएंगे भूकंप के दौरान क्या करें और क्या ना करें। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। एसटीआईपी 2020 टाउन हॉल मीट ट्रैक वन लॉन्च, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करने के लिए परामर्श की एक मुहिम। प्राकृतिक एंटी कैंसर तत्व के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी, भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू ने की है इस पोटेंशियल कैंडिडेट की पहचान। नेचर इंडेक्स 2020 में डीएसटी के संस्थान शामिल, शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों की सूची में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थानों को मिली जगह। और आईआईटी दिल्ली करेगा आत्मनिर्भर भारत निर्माण में सहयोग, संस्थान उद्योग आधारित अनुसंधान और स्टार्टअप को देगा और बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इसी कड़ी में 12 जून को एक वेबिनार द्वारा एसटीआईपी 2020 टाउन हॉल मीट ट्रैक वन का लॉन्च किया गया। 4 श्रेणियों में चलाई जा रही इस प्रक्रिया में लगभग 15,000 हितधारकों को परामर्श के लिए जोड़ा जा रहा है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने यह साबित कर दिया कि ऐसी स्थितियों से निपटने और जनजीवन को सुचारू रखने के लिए विज्ञान में निवेश की बहुत जरूरत है। प्रौद्योगिकी और नवाचार के इसी विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आगामी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति निर्माण के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श की योजना बनाई है, जिसके तहत हाल ही में एसटीआईपी 2020 टाउन हॉल मीट ट्रैक वन लॉन्च किया गया। वेबिनार द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा समेत जाने माने विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स और हितधारकों ने हिस्सा लिया। टुडे वी हैव रीच्ड और एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वी कैन नो लॉन्गर हैव आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स growing at the expense of other structures. In other words, there is no free lunch. How does therefore one have sustainable development when you're not allowed to exploit the environment, when we shouldn't be exploiting other people, and we need to have balance of trade and equitable development? That's an enormous challenge. COVID-19 has shown us how the global supply chains can be very rapidly affected if we don't take these factors into account. So these are very important challenges. And therefore, our science, technology and innovation policy needs to look forward in this post-COVID world in truly innovative ways. इस मीट का उद्देश्य साइंस पॉलिसी फोरम के माध्यम से आम जन और विशेषज्ञों से व्यापक स्तर पर परामर्श प्राप्त कर विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की नवीन नीतियों में शामिल करना है, ताकि एसटीआईपी 2020 को विकेंद्रीकृत और समावेशी बनाया जा सके और पर्यावरण, जैव विविधता एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सतत विकास किया जा सके। फिलहाल इस प्रक्रिया में अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 15,000 लोगों को जोड़ा जा रहा है। We need in the policy a seamless connection to all the stakeholders, to all the sectors. But we also need that seamless connection in the entire knowledge chain, which means from R&D, basic science, applied science, technology translation, human resources, startups, making products and technologies, and in fact, the industry and the market, the widest possible participation, and this is just the kickstart for that. And I'm sure that every single stakeholder will have a say in this process.
we must balance invention with innovation. चार ट्रैक या श्रेणियों में शुरू की गई इस प्रक्रिया में पहली श्रेणी विशेषज्ञों, नीति विद्वानों, आम जनों से परामर्श के समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगी। दूसरी श्रेणी में विशेषज्ञों के परामर्श एवं सिफारिशों को नीति निर्माण कार्य में शामिल किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा और श्रेणी चार के अंतर्गत शीर्ष स्तर के अनेक हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। ये सभी श्रेणियां एक साथ चलेंगी। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए आयाम को विकसित करने में सहायक साबित हो सकती है, जो कि इस समय की बड़ी जरूरत है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी वैश्विक पहचान बना रहे भारत को अब एक और कामयाबी मिल सकती है। CSIR के भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू के शोधकर्ताओं ने एंटी कैंसर ड्रग के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट की पहचान की थी, जिसके क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। ये तत्व अग्नाशय में होने वाले कैंसर के लिए कारगर साबित हो सकता है। विज्ञान दर्पण की एक रिपोर्ट। कैंसर शरीर के किसी हिस्से में भी हो खतरनाक ही होता है, लेकिन पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का कैंसर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर में आम तौर पर स्टेज चार में ही पता लगते हैं। कैंसर को लेकर अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं है। ऐसे में अग्नाशय कैंसर को लेकर भारतीय शोधकर्ताओं ने उम्मीद की एक किरण जगाई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जम्मू स्थित भारतीय संवेद औषध संस्थान ने IIIM-290 नाम से एक तत्व की पहचान की है, जिसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के न्यू ड्रग डिवीजन से एंटी कैंसर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग के रूप में क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। ये जो प्लांट है जिसको कहते हैं डाइसोजाइलम बायनेक्टेरिफेरम, इसका इंग्लिश नेम है, इंडियन नेम इसका है इंडियन व्हाइट सेडार। इस प्लांट से हमने उसका नेचुरल 10 कंपाउंड्स हमने आइसोलेट किए थे, तो ये देखा गया कि इसके दो कंपाउंड जो डेरिवेटिव थे उनकी एक्टिविटी बड़ी अच्छी थी सेल लाइंस में। सो उन दो में से एक कंपाउंड ये था IIIM-290। तो इस कंपाउंड को जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो ऑल द 31 सेल लाइंस में जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो सब में बड़ी अच्छी एक्टिविटी आई, पर्टिकुलरली पैनक्रियाटिक कैंसर सेल लाइन में। तो अल्टीमेटली इस जनवरी 2020 में हमने इसकी एक IND एप्लीकेशन फाइल की विथ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर थरो रिव्यू ऑफ दिस आवर डाटा द कमिटी ग्रांटेड अस परमिशन टू गो अहेड विथ Phase 1/2 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस ड्रग। इस तत्व की पहचान संस्थान के नेचुरल प्रोडक्ट्स संचालित ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम के तहत की गई है। इस अध्ययन के दौरान देखा गया कि पश्चिमी घाट के सफेद देवदारों की पत्ती में पाए जाने वाला रोहिटुकिन NCI-60 कैंसर सेल लाइंस पैनल और कैंसर में शामिल प्रोटीन काइनेज एंजाइमों के खिलाफ एंटी कैंसर स्क्रीनिंग में काफी प्रभावी है। इसके लिए इस तत्व के प्राकृतिक रूप में बदलाव कर कुछ नए रासायनिक तत्व निकाले गए, जिन्हें IIIM-290 नाम दिया गया है। अब चिकित्सीय परीक्षण में अग्नाशय कैंसर रोगियों पर इस तत्व के सुरक्षित उपयोग, जोखिम और सहनशीलता का परीक्षण किया जाएगा। इस ड्रग को हम एनिमल मॉडल्स में ले गए, जिसमें हमारे पास क्लासिकल एनिमल मॉडल्स थे और कैंसर्स, सारे एनिमल मॉडल में इसकी बड़ी अच्छी एक्टिविटी आई। फिर हमने इसको ह्यूमन कैंसर जीनोग्राफ जिसको कहते हैं, मतलब न्यूड एनिमल्स होते हैं या ऐसे माइस होते हैं जिनमें इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होती। अब इम्यूनिटी नहीं होती है इसलिए ऐसे एनिमल जो है अदर पैथोजेंस के लिए बड़े अच्छे, बहुत ससेप्टेबल होते हैं। ह्यूमन कैंसर के जो सेल्स है इन एनिमल्स में ग्रो किए और उस पर हमने हमारी ड्रग टेस्ट की, एंड उसकी बड़ी अच्छी एक्टिविटी हमें मिली।
इस रिजल्ट से उत्साहित होकर हमने फिर नंबर ऑफ ऐसे मॉडल नंबर ऑफ कैंसर फेस टू टेस्ट किया तो पाया गया कि पैनक्रियाटिक कैंसर में इसकी बड़ी अच्छी एक्टिविटी मिली। ये अध्ययन लगभग 10 वर्षों से चल रहा था और पिछले 3 साल में शोधकर्ताओं ने सभी पूर्व नैदानिक सुरक्षा नियामक और अन्य इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग सक्षम अध्ययनों को पूरा कर इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया। ये अध्ययन 2018 के जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित हो चुका है। अग्नाशय कैंसर दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों का 4th प्रमुख कारण है। इस कैंसर के उपचार के लिए दवाओं की भारी कमी है। ऐसे में प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित ये स्वदेशी दवा संभावित चिकित्सीय विकल्प के रास्ते खोल सकती है। राष्ट्र की प्रगति में भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों का अहम योगदान रहा है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान भी मौजूदा समस्याओं और आगामी चुनौतियों के वैज्ञानिक समाधान तलाशने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2020 की शीर्ष 30 भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों की सूची में DST की 3 संस्थाएं शामिल हैं। एक रिपोर्ट। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2020 में टॉप 30 भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 3 संस्थानों को भी रखा गया है। विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, आईसर और अन्य अनुसंधान संस्थान तथा प्रयोगशालाओं की सूची में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम कर रहे स्वायत्त संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन साइंस कोलकाता को 7वां और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु को 14वां और SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये स्थान नेचर इंडेक्स द्वारा साल 2019 के मूल्यांकन के हिसाब से दिए गए हैं। We look at our number of scientific publications in standard journals. So that has doubled. We are now number 3 in the world in terms of number of publications. Of course, now we have to start improving the relevance and quality of that research which goes into producing these publications. The R&D investment has more than doubled. The number of R&D labs and academic sector, universities, colleges, IITs, ICERs, they have doubled. The number of PhDs that we produce is nearly doubled. The new concept of postdoctorals and postdoctoral fellowship has come in a big way. We are also 3rd in the number of PhDs which are produced in the world. We also number 3 in the number of startups or technology based startups in the world. शीर्ष 30 भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों की सूची में पहला स्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को मिला है। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान देश के तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें, नेचर इंडेक्स उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों के आधार पर तैयार किया जाने वाला डेटाबेस है। ये डेटाबेस नेचर रिसर्च द्वारा जमा किया जाता है और इस डेटा के आधार पर हर साल सूचकांक तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा देशों के अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है। भारतीय संस्थानों को साल 2019 में उनके द्वारा किए गए अनुसंधान प्रकाशनों, अनुसंधानों की गुणवत्ता और महत्व के आधार पर सूची में रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कई स्वायत्त संस्थानों को इस सूची में जगह मिलना इस बात को साबित करता है कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। विज्ञान दर्पण में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी लौटते हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है।
इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है, विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विज्ञान दर्पण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अब भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत निर्माण मुहिम की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करेगा। संस्थान ने मौजूदा वैश्विक महामारी को लेकर कई तरह के स्वदेशी समाधान विकसित किए हैं और आगामी चुनौतियों को देखते हुए अपने अनुसंधान और स्टार्टअप क्षमता को और बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि अनुसंधान और नवाचार को उद्योग में बदलकर भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। देश के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, जहां उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स तैयार करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्य भी किए जाते रहे हैं। मौजूदा कोरोना संकट के दौरान IIT दिल्ली ने इस संक्रमण को रोकने के लिए अपने त्वरित शोध और उत्पादों का निर्माण कर अहम योगदान किया, जिसमें PPE किट, COVID-19 टेस्टिंग किट, सस्ते सक्षम फेस मास्क और अन्य उपकरणों का निर्माण शामिल है। संस्थान के शोधकर्ता इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। उन्नत भारत जैसे अभियानों में सफल भूमिका निभा चुका ये संस्थान अब आत्मनिर्भर भारत निर्माण मुहिम में योगदान की तैयारी कर रहा है। IIT दिल्ली इज हेल्पिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर इनिशिएटिव्स एंड एट IIT दिल्ली वी आर टेकिंग मेनी स्टेप्स राइट नाउ टू टर्न अवर स्टूडेंट्स into job providers rather than remaining as job seekers. So there are a lot of initiatives that we have launched in the institute towards making this a possibility. For example, IIT Delhi traditionally has the culture of entrepreneurship. At least 16 unicorns, billion-dollar companies have come out of IIT Delhi alumni alone. And we are in the last 3 years, through a variety of initiatives, we are further strengthening the ecosystem for deep technology startups from IIT Delhi. IIT दिल्ली की पहचान पहले ही आत्मनिर्भर प्रयासों का नेतृत्व करने वाले संस्थान के रूप में की जाती है, जो अपने स्टार्टअप्स द्वारा जुटाए जाने वाले फंड में सबसे अग्रणी है। और पिछले कुछ सालों में संस्थान ने विभिन्न परियोजनाओं में 350 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी किया है, ताकि उसके शोधकर्ता नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाले उद्यमी बने। इसमें कैंपस में प्रस्तावित अनुसंधान एवं नवाचार पार्क, जिसमें एक समय में लगभग 100 स्टार्टअप्स काम कर सकेंगे, अनुसंधान अनुवाद और उद्योगों के साथ संयुक्त शोध को बढ़ावा देगा। हाल ही में संस्थान ने 150 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए और अगले साल 200 से ज्यादा पेटेंट फाइल करने का लक्ष्य है, जो हर क्षेत्र में एक राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेगा। फॉर ऑल ऑफ दिस टू हैपन वी आर पुटिंग प्रॉब्लम्स फर्स्ट। So we are identifying the problems, then we are building faculty teams to solve these problems, and once a solution is arrived, and these solutions we are trying to take it to the society through interactions with industry or through a startup kind of a route. And that is where IIT Delhi is currently doing very well. Our target is at least 100 startups on the campus. That will become a reality 1 year from now. And we are also building a large technology park. And we are also exposing our students to real world problems so that they get excited about these problems and find solutions to them through the resources available on the campus, and eventually use those solutions to start companies and commercialize some of these technologies. So through this, India will be able to solve its own problems. IIT दिल्ली सबसे अलग यानी यूनिकॉर्न फाउंडर तैयार करने वाले 10 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में शुमार हो चुका है। संस्थान ने पिछले 4 साल में कैंपस में ही व्यवसाय को बढ़ाने का एक बेहतर माहौल तैयार किया। इन सुविधाओं और मिलने वाले सहयोग के चलते संस्थान का हर दूसरा छात्र अब व्यवसायी बनने का सपना देखता है।
ये शुरुआत है अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से सामाजिक, व्यवसायिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता की। पिछले दो महीने से देश के कई क्षेत्रों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में एक दिन में ही कई बार माइनर अर्थक्वेक दर्ज किए गए हैं। हालांकि भूकंप का पूर्वानुमान या पूर्व चेतावनी नहीं दी जा सकती, लेकिन भूकंप के दौरान क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, ये जानकारियां उपलब्ध हैं। विज्ञान दर्पण के द्वारा हम आपको आज भूकंप से जुड़ी ऐसे ही कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। आपदाओं से बचने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भूकंप के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो फौरन जमीन पर बैठ जाएं और किसी मजबूत टेबल या अन्य वस्तु के नीचे खुद को छिपा लें और कंपन रुकने तक वहीं टिके रहें। कांच की खिड़कियों, दरवाजों और दीवार आदि से दूर रहें जिनके गिरने का खतरा हो। घर के अंदर ही रहें जब तक कंपन पूरी तरह न रुक जाए या बाहर जाना सुरक्षित हो। अगर आप खुले स्थान पर हैं तो जहां हैं वहीं पर रुके रहें, लेकिन भवनों, पेड़ों, बिजली के तारों आदि से दूर रहें। अगर आप किसी वाहन में सफर कर रहे हैं तो सुरक्षित तरीके से जितनी जल्दी हो वाहन रोक लें और वाहन में ही रहें। अगर आप मलबे में फंस गए हैं तो माचिस कभी न जलाएं। ज्यादा हिले डुले नहीं, धूल ना उड़ाएं। नजदीकी पाइप या दीवार को टैप करें ताकि बचाव दल को आपकी स्थिति का पता चल सके। ऐसी सावधानियां बरतकर हम भूकंप से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। याद रखिए, हमारी जानकारी और तैयारी ही इन आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर उपाय है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in url पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विज्ञान दर्पण और अब देखते हैं विज्ञान और नवाचार से जुड़ी देश दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए 17 जून को विश्व सूखा दिवस मनाया गया। खपत और भूमि के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस बार का थीम था फूड फीड फाइबर। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा वैश्विक आबादी के लिए बड़े खतरे हैं और इन कारणों से विकासशील देशों को सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8% नुकसान हो जाता है। ये दिवस मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से उबरने के तरीकों को उजागर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में मुंबई के लिए एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ये शुभारंभ किया। आई फ्लोज मुंबई नाम से इस परिष्कृत प्रणाली को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम के साथ मिलकर विकसित किया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार एकीकृत प्रणाली विशेष रूप से उच्च वर्षा की घटनाओं और चक्रवातों के दौरान प्रारंभिक चेतावनी प्रदान कर मुंबई को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर सकेगी। इस प्रणाली द्वारा हर 3 से 6 घंटे में सूचना प्रसारण के साथ 3 दिन पहले ही बाढ़ का अनुमान लगाना संभव होगा। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रणाली निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें ऐसी स्थितियों के दौरान अपनी जगह को खाली करना पड़ता है। ये सिस्टम 12 घंटे पहले वर्षा और बाढ़ वाले विशेष स्थान को चिन्हित कर भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। बीएमसी के लिए विकसित इस प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता का आगामी मानसून के दौरान व्यावहारिक रूप से परीक्षण किया जा सकता है। प्रजनन स्थल पर ही टिड्डे के खतरे का मुकाबला करने के प्रयास में भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ईरान को 25 मीट्रिक टन मेलाथियान 95% यूएलवी कीटनाशकों की आपूर्ति की है। खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार टिड्डे की हॉपर स्टेज आबादी का निर्माण ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में हो रहा है, जो आने वाले महीनों में भारत आ सकते हैं और आगामी फसलों की तबाही का कारण बन सकते हैं। इसलिए भारत ने हाल ही में रेगिस्तानी टिड्डियों के खतरे की समन्वित प्रतिक्रिया के लिए ईरान और पाकिस्तान से संपर्क किया था। ईरान की मंजूरी के बाद विदेश मंत्रालय ने आवश्यक कीटनाशक का निर्माण और आपूर्ति करने के लिए HIL इंडिया लिमिटेड को आदेश दे दिया है। विज्ञान दर्पण के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है gdscience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।